हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो अपलोड करने का एक कारण ये भी है कि काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, मैसेजेस भिजवा रहे हैं कि आपने कहा था 23 सितंबर को जब राहु जेमिनाइन यानी कि मिथुन राशि को से निकल करके वृषभ राशि में यानी कि टॉरस में जाएंगे तो बहुत लोगों को जिंदगी में अलग अलग अनुभव नज़र आएगा, समझ में आएगा। जहाँ जहाँ पे आपके काम रुके हुए थे या जो जो दिक्कतें आपके साथ थी वो आपकी दिक्कतें हटना शुरू हो जाएंगी। मैंने ये भी कहा था कि शनि देव जो वक्री चल रहे थे, बैकवर्ड मोशन पे थे, रेट्रोग्रेड थे, वो 29th को डायरेक्ट हो रहे हैं और सीधी चाल चलेंगे, मार्गी हो जाएंगे। और इसके बाद में जो भी लोग जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, नई जॉब लेना चाहते हैं, इनके लिए रास्ते खुलेंगे। मैंने ये भी कहा था कि गुरु यानी कि जुपिटर जो अभी फिलहाल अपनी ही राशि में धनु राशि में चल रहे हैं, वो भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 11th of November को, जो लगभग अभी यहाँ से एक महीना दूरी पे है। मैं कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ साथ सामने रखना चाहता हूं। जिन लोगों को ये 23rd और 28th का असर अगर नज़र नहीं आया तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि राहु अब जो राशि परिवर्तन किए उस जगह पे 18 महीने तक बैठेंगे। स्वाभाविक सी बात है, एक राशि जो 30 डिग्रीज की होती है और 30 डिग्रीज को कवर करने के लिए अगर राहु 18 महीने ले रहे हैं तो अभी तक उन्होंने लगभग 1 डिग्री भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं की है। दैट मीन्स ही इज टू यंग इन दैट न्यू हाउस, ही इज इन टू अ इन्फेंसी स्टेज, तो थोड़ा सा असर होने में कभी कभी देर हो जाती है, ज्यादा नहीं, हफ्ते दो हफ्ते की ही देर में बता रहा हूं मैं। बहुत ही मतलब आप लोगों को मैं एनलाइटन करना चाहता हूं ये बता करके कि 11th of May को जब शनि देव वक्री हो गए थे, बैकवर्ड मोशन पे गए थे, मैंने कहा था आप लोग से बहुत वीडियो से बताया कि शनि देव इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, वो देखने जा रहे हैं कि पिछले इन दिनों में क्या होने जा रहा है। और आपने 11th मई से लेकर के 29th of September तक देखा था, खास करके फिल्म इंडस्ट्री, सुशांत राजपूत का जो केस था, उसके बाद में आप लोगों ने उथल पुथल जो गवर्नमेंट में देखी, ये सभी चीजों की समीक्षा कर रहे थे शनिदेव। शनिदेव जैसे ही 29th of September को डायरेक्ट हो गए, उन्होंने सुशांत राजपूत का जो केस है वो पूरी तरह से उजागर करके सामने ले आए। सबसे ज्यादा इस टाइप पे फिल्म इंडस्ट्री क्यों तकलीफ में है इसे भी समझ लीजिए आप लोग। शनिदेव बैठे हैं मकर राशि में, मकर राशि से शनि देव की 3 स्पेशल दृष्टियां होती है। शनि देव जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखेंगे, यानी कि इट इज गोइंग टू लुक एट द हाउस ऑफ द राशि पाइसियन, यानी कि गुरु की जो राशि है उसे अभी वो देख रहे तीसरी दृष्टि से, जिसे हम हमेशा कहते हैं कि दैट इज तीसरी दृष्टि इज ऑलवेज टॉक्स अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल इन दैट पर्टिकुलर हाउस, उसमें आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अब आप 7वीं दृष्टि मकर राशि से उनकी जा रही है कैंसरियंस के ऊपर, यानी कि कर्क राशि पे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दसवीं दृष्टि होती है वो पड़ रही है तुला राशि पे, यानी कि लीब्रा पे। हमें यहां पे समझना होगा कि ये जो 3 राशियों को प्रभावित कर रहे हैं, पाइसिस यानी कि मीन, मून साइन जुपिटर का साइन है, वेरी इमोशनल हाउस, वाटर एलिमेंट है। 7वीं दृष्टि अगेन इट इज अ वाटर कंटेंट है उसका, बिकॉज कैंसर है, चंद्रमा है, अगेन वेरी इमोशनल हाउस। 3री जो दृष्टि है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लीब्रा यानी कि तुला राशि, जिसके मालिक है वीनस यानी के शुक्र। और शुक्र जो है वो पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री को
पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपने देखा होगा 24 जनवरी के बाद जैसे वो मकर राशि में गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। और ये भी जान लीजिएगा कि 2022 तक अभी वो उसी जगह पे रहेंगे, उसी पोजीशन में रहेंगे, तो आगे होने को बहुत कुछ दिखता है मुझे। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु, और गुरु किसको रिप्रेजेंट करते हैं आप ये भी समझ सकते हो, लॉ, जजेस, प्रीस्ट, जो पंडित होते हैं उनको करते हैं, तो आपको उनके बारे में भी खबर आएगी। कर्क राशि जो चंद्रमा की है, चंद्रमा ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इमोशंस, इट रिप्रेजेंट्स ड्वेलिंग प्लेसेस, हॉस्पिटल्स, एकोमोडेशन, तो मैं होटल्स को भी उसमें गिनूंगा, तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उस पर भी प्रभाव कैसे पड़ा है आपको पता ही है। ये भी बता देता हूं कि अगर लीब्रा को अगर आप काल पुरुष कुंडली में देखोगे तो वो हमेशा इज रिलेटेड टू मैरिजेस, क्योंकि वो सातवीं राशि है। तो जो भी लोग इस टाइम पे अपने मैरिज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, इस तरह की चीजें हैं, तो आपको बहुत संभाल करके चलना होगा, या शनिदेव उस चीज को करेक्ट करेंगे, यानी कि उसको पैचअप करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर शनिदेव आपको कंप्लीट निजात दिलवा देंगे उस चीज से, यानी कि आप उस चीज से बाहर आ जाओगे। अगर आपके कुछ लीगल डिस्प्यूट मतलब डिवोर्सेस के केसेस अटके हुए हैं तो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड एंड थिंग्स विल मटेरियलाइज फॉर यू। यही कुछ बातें आपको बताना चाहता था, और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर रहा हूं। मैं कुछ चीजों में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया था, अब पूरी तरह से आपकी तरफ मैं तवज्जो दूंगा, मेरे सारे वीडियोस अपलोड होना आज से शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज with your friends, colleagues, relative, whatever it is. Stay blessed, be positive, all is going to be well. The planetary positions are now indicating ke aista aista hume COVID-19 se bhi aista aista rahat milna shuru ho jayegi. Aap dekhenge, aapko rahat milna shuru ho jayegi. Kahan se nikal ke aayega? Mujhe iska koi andaaza nahi hai, lekin main itna bata sakta hu ki jo positions abhi ban ke aa rahi hai planets ki, it's really good. Fine. Thank you so much. Take care of yourself.